जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। आज हम 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने कहा कि अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अब भगवान आत्म संयम योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुवति ज्ञान दीपिते। चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब पहले समझते हैं कि यहाँ आत्म संयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ ज्ञान दीपिते विशेषण का क्या भाव है। यहाँ पर आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है और समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है। शून्यता का नाम समाधि नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यज्ञ के रूपक से उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपिते विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है। ध्यान योग अर्थात ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है और दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता रूप ध्यानावस्था होती है। तदनंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ पर इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसलिए परमात्मा के सगुण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधि पूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार के ध्यान योग में जो मनोनिग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना सुनना सूंघना स्पर्श करना आस्वादन करना एवं ग्रहण करना त्याग करना बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है। यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। राधे राधे।